अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट तहमीना मलिक और मेरे साथ हैं सोनी राना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और लॉकडाउन को इंजॉय कर रहे हैं। छुट्टियाँ हो चुकी हैं बच्चों को, जो हमेशा की तरह मैंने अपने प्रोग्राम में लाजमी आप लोगों को कहना था कि लॉकडाउन इंजॉय हो रहा है और लॉकडाउन वाकई बहुत इंजॉय होता है। और बच्चों के ऐसे बयानात सुनने को मिले, मैं तो हैरान हो गई। और बच्चे जो हैं वो शफकत महमूद साहब को दुआएं दे रहे हैं कि सर आप जिए हज़ारों साल। और आजकल नई कैप्शन चल रही है कि शफकत महमूद साहब के ऊपर पिक्चर लगा कर नीचे कह रहे हैं कि हम लैपटॉप नहीं, हम छुट्टियां बांटते हैं। और फिर उसके मज़े मज़े की कमेंट्री जो नीचे जारी होती है कैप्शन में, शफकत महमूद आप जिए हज़ारों साल, आपका कभी पानी ख़त्म ना हो, ठंडा पानी ख़त्म ना हो, कभी रोज़ा ना लगे, आपको कभी रोज़ा ना लगे। शफकत महमूद ने बच्चों के दिल जीत लिए हैं और बड़े वैसे दुख और अफसोस की बात है, यहाँ से पता चलता है कि हमारी कौम जो है पबजी और टिकटॉक पे बैन होने पे सोग मना रही है और स्कूलों और कॉलेज और यूनिवर्सिटियों की छुट्टियां होने पे जश्न मना रही है। बहुत अफसोस की बात है कि हमारी आवाम को पढ़ाई की ज़रूरत नहीं, ये टिकटॉक और गेम्स फजूल एक्टिविटीज़ का इनको जो शौक है वो चढ़ चुका हुआ है और बहुत ज़्यादा डिप हो गई है हमारी आवाम। जी सही कह रही है सुनील राणा जी। तो आज आपको बताते चलें कि जैसे हमने आपको बताया था कि 30 नवंबर को हमारा प्रोग्राम हो रहा है ब्यूटीशियंस का, इसमें जो हमारे साथ ब्यूटीशियंस हैं हमारे इलाके की तमाम ब्यूटीशियंस शामिल होंगे और उनका बहुत हैवी कंपटीशन होगा और यहाँ इनके पार्लर्स में, इनके सैलून्स में बहुत मुनफरिद काम किया जाता है और आपको लाइव दिखाया जाएगा। और तहमीना उनके नाम बताती है, तहमीना ने रट्टे हुए, मैंने रट्टे नहीं है। ऐश ब्राइडल सैलून, ये हमारी स्पेशल है, जो ऐश है ये हमारी स्पेशल है और बहुत अच्छी भी हैं और इनका जो मेकअप होता है ना बहुत मुनफरिद सा होता है। और इसी के साथ गैलेक्सी ब्यूटी सैलून, नाइस ब्यूटी सैलून और शी शेड ब्यूटी सैलून, हीरा ब्यूटी सैलून, इसके साथ जुनैरा ब्यूटी सैलून, माशाल्लाह यहाँ के बहुत नामवर पार्लर्स हैं यहाँ पर। तहमीना हम जब देखेंगे कंपटीशन में, कंपटीशन के बाद हम लोग उस वक्त साथ साथ ही होंगे और हम चेक करेंगे कि कौन ज्यादा तेज हाथ चलाती है और किसके हाथ में बहुत ज्यादा हुनर है। नहीं, तेज हाथ चलाने में सोनी ये कोई हुनर कंपटीशन में ये कोई फास्टनेस नहीं है। कंपटीशन में फास्ट काम करेंगे तो जाके जीतेंगे ना। ड्यूरेशन उसके साथ हमें ये भी तो चाहिए ना, उनका मेकअप नीट एंड क्लीन, हर आईलाइनर कहीं से भी टस से मस्त ना हुआ हो, काजल फुल, मस्कारा फुल, ब्लश ऑन सही जगह पे लगे हों। हाँ, ब्लशेस और ये टेक्निक्स होती हैं बेसिक, चौड़ा फेस को बारीक करने की और नोज कंटोरिंग की, चिन कंटोरिंग की, चिक्स कंटोरिंग की, हेड कंटोरिंग की, ये एक टेक्निक्स होती हैं। हम देखेंगे हमारे ब्यूटी ब्यूटीशियन है और जी जी व्यूअर्स, आपने हमारा प्रोग्राम देखना नहीं भूलना। 30 नवंबर को लाइव प्रोग्राम हमारा होगा जिसमें कंपटीशन होगा। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही डिफरेंट और बहुत अच्छा और आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है देहाती और शहरी जिंदगी में फ़र्क। जी, जिस तरह तस्वीर के दो रूप होते हैं, एक जो है वो रोशन और दूसरा तहरीक होता है, उसी तरह देहाती और शहरी ज़िंदगी के भी दो रुख हैं, दो पहलू हैं जिनके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फायदे और नुकसान हम दोनों कंपैरिजन करके बताते रहेंगे। आज तहमीना आपको बताएंगे देहाती जिंदगी के बारे में और मैं आपको बताऊंगी शहरी जिंदगी के बारे में। जी तहमीना, करें फिर स्टार्ट। हाँ जी, क्यों नहीं, देहाती जिंदगी के बारे में हम कदीम देहाती जिंदगी रखेंगे क्योंकि आजकल हम अगर देहात में चले जाते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें नहीं मिलती जो पहले थी। शहरी ज़िंदगी जैसे ही लोगों ने जो है चीज़ें पिक कर ली हुई है वहाँ से और घर भी शहरों जैसे ही हैं ऑलमोस्ट, बस थोड़ी सी सड़कों में कमियाँ रह गई हैं, वो भी इंशाल्लाह डे बाय डे पूरी हो जाएंगी। फिर कभी सुना गया था कि ये ज़माना है कदीम में कोई गांव हुआ करता था, वो भी शहर की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। तहमीना अभी भी कुछ ऐसे गांव हैं जो बहुत रूरल एरियाज हैं ना, उनमें अभी भी कुछ ऐसे गांव हैं, ऐसे देहात हैं कि अभी भी वो अपना कल्चर नहीं भूल पाए और उनके फुल कच्ची मिट्टी के मकानात हैं। जैसे शेखपुरा से थोड़ा आगे चले जाएं, फैसलाबाद से थोड़ा आगे चले जाएं तो वहाँ प्योर कच्चे गांव आपको नजर आएंगे, कच्चे मकानात बने हुए हैं और छोटी छोटी उनकी दीवारें हैं। हाँ जी, देहात के बारे में हमने स्टार्ट किया है तो बेसिक जब भी था तो कोई भी इलाका अगर तरक्की की तरफ जाता है आहिस्ता आहिस्ता
कच्चे से ही लोगों ने पक्के मकानात बनाए और तरक्कियाँ की, लोग बाहर गए, लोगों ने पैसा कमाया और बाहर का ट्रेडिशन थोड़ा पिक किया, बाहर वॉशरूम्स कैसे बने हुए होते हैं उन लोगों ने पिक किया, यहाँ पर कारोबार जैसे टाइल्स कंपनी है इन्होंने कारोबार्स ओपन किए और उसके बाद ऐसे छोटा छोटा करते 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 देहात शहरों की शक्ल अख्तियार करना। बिल्कुल, अब तो हमें उस तरह के देहात ही नहीं नजर आते, देहातों में भी पक्के घर हैं और स्पेशली उधर भी। एक मिनट वैसे ऐसे ऑनर करने वाली तो नहीं है लेकिन पहले पहले वक्तों में लोग जंगल पानी को जाया करते थे, यू अंडरस्टैंड दैट, लेकिन अब ये दौर है इनके अब नहीं मिलता ना इसे गांव में कहीं चले जाए, अब इतनी डेवलपिंग हो गई, डेवलपमेंट हो गई है लोगों में ना। वैसे भी हम ना अपना जो पुराना कल्चर है उसको बुला चुके हैं, बुला रहे हैं, बुला चुके हैं, लेकिन अभी भी इंडियन जो सिख हैं, पंजाबी सिख, वो अपना कल्चर आपको दिखा रहे हैं। जैसे अंग्रेज मूवी में उन्होंने सारा ही वो दिखाया किस तरह रूरल अर्बन मतलब सॉरी किस तरह फुल देहाती एरिया और लोग जंगल पानी को जाया करते थे, जो आप बात कर चुके हैं। अच्छा, तो सोनी सबसे पहले अगर हम देहात पे बात कर रहे हैं तो पुराने जमाने के बावर्ची खाने, वो पुराने जमाने के किचन, वो आउटर हुआ करते हुए ना, किचन की हम बाद में करेंगे, लेकिन मुझे आप ये बताएं हमारे देहात में रहने वाले जो लोग हैं वो कितने परसेंट हैं? 70% लोग हैं या 75% लोग हैं? 80% लोग देहात में है। नहीं, 70% लोग देहात में है। आपका पहला आंस ठीक था, उस पर आपको मिलेगी एक चॉकलेट, लेकिन प्रोग्राम के बाद में अभी ये खाना शुरू हो जाएगी, बच्चों की तरह आते हैं इसकी। और शहरी फिर कितने फीसद बचे? शहरी 25% 30% जो है ना वो 75% है कि 60% है? 70% जो है वो देहाती है और 30% ठीक है, शहरी है। 75% आप कह रही हैं। एक तो ये कफ जो खांसी है ये जान नहीं छोड़ती। जी जी, अब हम जरा देहात के किचन की बात करते हैं। हाँ, साथ ही हम शहर वाले किचन की तरफ आ जाएंगे। देहात के किचन पहले जमानों में, अब तो देहात देखने में वैसे मिलता नहीं है, कहीं दूर जाकर जो है मिलता होगा ऐसा, लेकिन यहाँ पर देखिए एक ऐसी दीवार खड़ी की जाती थी मट्टी की। हाँ, और वो एजाज इंसारी जो टिकटॉकर है, वो जो खाने बनाते हैं उसकी वीडियोस में देखा है मैंने उस किचन, मैंने रियल में भी देखा, मैंने बचपन में कहीं धुंधली यादों में उसको देखा। अच्छा, तो ना बड़ी मजे की बात है, उन्होंने ना गांव में जो है इतनी थी दीवार बनाई है मट्टी की, उसमें साथ हांडी वाला जो चूल्हा है वो अलग है, उसके साथ उन्होंने एक और गोल सा चूल्हा बनाया होता है, तंदूर भी साथ ही लगाया होता है, और वो यार उन लोगों का माइंड बड़ा कमाल का है। और सोनी देखें कि सफाई किस कदर बहुत नीट और वहां पर अगले दिन लगता ही नहीं था कि यहाँ खाना बना। और फिर वो जो मट्टी है ना जो उन्होंने चूल्हे बनाए उनको जिस तरीके से वो पोछा लगाते हैं, और ये देखिए हालांकि वो मट्टी का बना हुआ वो थोड़ा सा थोड़ी सी जगह होती थी, लेकिन उस जगह पर जूते होते हैं उसके बाहर उतारने हैं जूते, और अंदर सिर्फ पाँव के साथ, अगर पाँव गंदे हैं तो पाँव धोकर ऐसे जाना है। और तेमिना मैंने सम टाइम बाज़ुकात लोगों को ये भी देखा है, गांव के लोग भी बहुत उनके क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिव माइंड है, वो भी बहुत मास्टर माइंड होते हैं। अब देखें कि पिज़्ज़ा, मैंने एक बंदे को देखा वो पिज़्ज़ा उसने एक ओवन से बनाया मट्टी का, उसने पिज़्ज़ा उसके अंदर बनाया, और कितनी टेक्निक्स आ गई है लोगों के माइंड में, अल्लाह ताला की ज़ात ने क्या इंसानों के माइंड में, अल्लाह ताला ने क्रिएशन किया इस माइंड की, लेकिन ये माइंड खुद भी क्रिएशन कर सकता है। देखिए बोलते भी ना इतने क्रिएटिव हैं कि तंदूर में अगर उन्होंने रोटियां लगा ली है ना, तो उसी तंदूर में बेशक वो दूध की देश की रख दें, ठीक है, वो दूध उनका बनना शुरू हो जाएगा, उसी तंदूर में वो हंडिया भी रख देते हैं, उसी तंदूर में हंडिया भी रख देते हैं, और उसी तंदूर में जब सर्दियाँ आती हैं ना तो पानी का मटका सा होता है, या पीपा सा उसको बोलते हैं, मटका नहीं वो लोहे का होता है जिसको कहते हैं ना, तो उसको पानी के उसके आग के ऊपर रख देते हैं, वो भी गर्म होता रहता है, साथ साथ वो आग का भी लुत्फ उठाते रहते हैं। वैसे परेशानी की भी बात है, हम शहरी लोग जो है देहात में हमारा गुजारा 8 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता, वो भी हम शोक से 8 दिन गुजार सकते हैं, लेकिन वो भी तो लोग होते हैं जो वहाँ पर रह रहे होते हैं। हमें शहरों में इतनी ज्यादा सहूलतें मिली हुई हैं, इतनी सहूलतें हमें मिली हुई हैं कि हम सहूलतों के आदि हो चुके हैं, फिर हम अगर शहरी किचन की तरफ आ जाए तो हम हर काम मिनटों और सेकंडों में करते हैं, सेकंड्स में हम अपने काम करते हैं, किचन का चूल्हा जलाया, किचन हमारे नीट एंड क्लीन, टाइल्स जिस तरह के भी लोग हैं टाइल्स लगी हैं, किचन नीट एंड क्लीन है, चूल्हे नीट एंड क्लीन है, सफाई तो हर जगह ही पाई जाती है, गंदगी में तो कोई भी रहना पसंद नहीं करता, हर इंसान के लिए सफाई बहुत ज़रूरी है, सफाई
निफ्स ईमान भी है, तो उसी लिहाज से हर बंदा सफाई करता है। वैसे एक कहावत है कि जो कुत्ता है वो भी अपनी दुम जो है उसके साथ साफ करके ही बैठता है। बिल्कुल ठीक बात कही है। इंसानों को कभी कभी जानवरों से ही मशाबत देकर समझाना पड़ता है, वरना डायरेक्ट तो इंसानों को समझ कभी कभार नहीं भी आती। बिल्कुल। और तहमीना एक और मजे की बात है कि हमारे गांव में जो मिट्टी का चूल्हा और मिट्टी की हंडिया में जो खाना बनता है ना, आप कभी स्वर किस्म के गांव में गई हैं आप? हाँ मैं गई हूँ। वहाँ पर आपको कभी कभार मिट्टी की खुशबू से मिट्टी खाने का दिल किया? आई लव वो खुशबू, बहुत पसंद है। हाय हाय, इमेजिनेशन ना करो, मिट्टी की खुशबू से मिट्टी को खाने का दिल करते। सम टाइम दिल करते कुछ खाए, कुछ चाटे, कुछ देखना ना हो तो कभी कभार तुम्हें कर ही लिया। मैंने कहा ना ये इतनी पेटू है, इतनी पेटू है कि ये मिट्टी को भी छोड़ रही। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? मैं आपको क्या कह सकती हूँ। अगर आप, हम शहरी किचन की बात करते हैं और देहाती किचन की बात करते हैं। देहाती किचन कुछ ऐसे होता है, खुल्लम खुल्ला सा होता है, उसमें देख के ऐसे लाइन कितार पर जो है ना, ऐसे एक के दूसरा ऊपर दूसरा रखा जाता है, तीसरा रखा जाता है, ऐसे किया जाता है। लेकिन हमारे शहरी किचनों में क्या होता है सुनी राना? हमारे शहरी किचनों में कैबिन्स बने होते हैं और कैबिन्स और कैबिनेट में हमने अपने बर्तन जो है वो लगाए होते हैं। हंडियाँ हमने नीचे जो शेल्फ है उसके नीचे वाले कैबिनेट में रखी होती हैं। हमारे बर्तन उस टाइम नज़र नहीं आ रहे होते, हमारे सामने वाले कैबिनेट्स में हमारे बर्तन नज़र आएंगे। और हमारे देहात में ऐसे होता है कि एक बहुत प्यारी सी शेल्फ को क्रिएट किया जाता है, उसको मदर की कढ़ाइयाँ करती हैं उसके कपड़े की। अच्छा तहमीना, उन शेल्फ को लोग जो देहाती लोग हैं ना वो अंगीठी बोलते हैं, और उन्होंने जैसे आप बताया नहीं, वो शेल्फ को शेड बोला जाता है। शेड नहीं, लेकिन उधर अंगीठी, अंगीठी आग जलाने वाली को कहा जाता है उधर, वो बोलते हैं। मैंने देखा ना, नहीं अंगीठी, अंगीठी कुछ और होता है। अच्छा, अंगीठी में अंगारे रखे जाते हैं। हम अपना कॉन्सेप्ट बाद में क्लियर करके आपको बता देंगे, नहीं तो आप देख लीजिए क्या कहते हैं। देहात में रहने वालों को पता होगा और शहरों में भी रहने वालों को पता होगा कि, और उनकी जो शेल्फ है बहुत बाकायदगी से सजावट से सजाई जाती है। स्पेशली अभी भी कुछ देहात ऐसे जहाँ स्टील के बर्तन है, ग्लास और उनकी बोल वगैरह उन्होंने ऐसे लगाए होते हैं, ग्लास कटोरियाँ और देज के बड़े बड़े इतने इतने। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सोच। जी सोनी, आप कहाँ थी? हम गांव पे बात कर रहे थे, गांव में रूम्स को कैसे डेकोरेट किया जाता है और किचन को किस तरह डेकोरेट किया जाता है। जी बिल्कुल, गांव में किचन्स को किस तरह डेकोरेट किया जाता है। हमने किचन की क्रॉकरी पे बात की, किचन के जो बर्तन होते हैं बावर्ची खाने, उनके जो बर्तन होते हैं उसमें क्या क्या चल रहा होता है। सोनी, पहले जमानों में, अब तो देहात में भी हर किसी के पास जूसर, कुकिंग रेंज, इस तरह की चीजें आ चुकी है, चॉपर, ब्लेंडर, ओवन देहात में भी मौजूद है। अब देहात तो सिर्फ नाम के देहात रह गए हैं, बिल्कुल शहरों की शक्ल अख्तियार कर ली है। लेकिन पहले दौर में, पहले ज़मानों में ऐसे हुआ करता था कि माएँ सिल पे पीस कर चीज़ें तो दिया करती थी। बिल्कुल, वो जो मिर्ची होती है ना वो भी उसके ऊपर, बल्कि वो उनको तो स्पेशली कूटा जाता था ना, कूट के तो वो हंडियाँ में गाँव में डाली जाती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब ऐसा है कि जो ना फटाफट सिस्टम आ गया है, ब्लेंड करें टमाटर, अदरक, लहसुन, प्याज सब कुछ ब्लेंड किया और एक ही उसमें डाला और बना दिया। बिल्कुल, चॉपर कर लें, चॉपर में डालें चॉप कर लें, नहीं तो ब्लेंडर में डालें ब्लेंडर कर लें। बिल्कुल, बिल्कुल। और हंडिया में तो हर चीज रेडीमेड तैयार हो जाती है। अच्छा सोनी, तो मुझे बताएं कि पहले दौरों जमानों में ऐसा हुआ करता था कि कुओं में से माएँ पानी लेने के लिए जाया करती थी। अभी भी ऐसा है कि पहाड़ी इलाकों में चले जाएं तो वहां पर मोटर सिस्टम नहीं है, वहां पर लड़कियां चश्मों से पानी लेने के लिए बड़े बड़े मटके उठाए हुए, आपको भी तस्वीर कर सकती हैं कि आप मटका उठाए हुए ऐसे जा रही हैं। इमेजिन किया कभी अपनी लाइफ को ऐसा? तभी ना मुश्किल ही लग रहा है। वो एक तो सर पे मटका उठाया होता था उन लोगों ने, और मटका इधर भी मटका, बगल में मटका, यहाँ सर पे एक मटका नहीं, वो तीन किस्म के मटके होते हैं, बड़ा, छोटा और उससे छोटा। और आप ये देखें कि वो ऊंचाई निचाई है और वो डगमगाता भी नहीं और वो गिरता भी नहीं है, और पानी भी नहीं उसमें से गिरता। हाँ, उन्हें कितनी ग्रिप है, बहुत ग्रिप है उनके पास, किस तरह लेके जाना। हम, वो हमारे लिए तो तहमीना
एक मिनट वो मटके से बात याद आई, हमारे लिए तो आजकल दुपट्टा जो है ना वो संभालना मुश्किल हो जाता है मतलब कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैंने चादर लिया दुपट्टा लिया मुझे समझ नहीं आ रही होती मैंने करना क्या, बैग भी हाथ में तो उस टाइम पे अब मेरे हाथ में मटके गिरा के दुपट्टों का बताती हूँ, बकायदा से उन्होंने दुपट्टा भी वेयर किया होता है लेकिन मजाल है उसके, वो मतलब उसको चक्कर वाले को क्या कहते हैं पंजाबी में, उसको शायद इनू कहते हैं लेकिन उसको उर्दू में क्या कहते हैं अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगी अच्छा मुझसे पूछना चाहोगी हाँ जी हाँ जी, ब्रेक के बाद जिसकी उर्दू बहुत ही गंदी है मुझसे पूछना नहीं, चाह रही ब्रेक के बाद पूछूंगी कि उसको क्या कहते हैं ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, सही है ऐसा ही है, लेकिन वो देखो तहमीना तब हवातीन जो थी ना वो बड़ी ताकतवर थी। सोनी अब भी ऐसी हवातीन मौजूद है क्योंकि समटाइम अगर आप इस तरफ चित्राल चले जाते हैं, सहराई इलाके की तरफ अभी भी है, अभी भी है, और चित्राल चले जाएं पहाड़ी इलाकों में कहीं ना कहीं चले जाएं तो आपको ऐसी औरतें मिलती हैं और वो हम जैसी ही होती है, लेकिन छोटी सी बच्चियां अपनी माओ के साथ ऐसे मटके पकड़े हुए ना पानी छलक रहा होता है और गिर रहा होता है, लेकिन एक स्टेज आती है तो एक स्टेज आती है जब वो उसको ना ग्रिप हो जाती है उसकी ग्रिप हो जाती है, तकरीबन 12-12 साल की बच्चियां अपनी माओ के साथ जाना शुरू करती हैं, देन उसके बाद जब वो 20-22 साल की होती हैं तो वो बकायदा ग्रिप कर लेती हैं उस चीज़ की, वो फिर समझ लें कि प्रैक्टिस हो जाती है उन्हें। तो मीना मेरे ख्याल से सिंध में अभी भी शायद ये कल्चर है, सिंध के कुछ गांव हैं जहाँ ये अभी भी कल्चर चल रहा है कि वो पानी जो लेने जाते हैं, क्योंकि सिंध वालों को पानी की बहुत ज़रूरत है, उनके पास साफ और शफाफ पानी नहीं है, और शहर देहात के लोगों में ये था कि उनको तब बहुत साफ़ सुथरा पानी मिलता था, जबकि हमारे इधर पानी जो है वो नहीं मिलता, साफ सुथरा शहरों में पानी नहीं मिल रहा। अच्छा, और हम सिंधी लोगों से याद है वाटर यूज़ कर रहे होते हैं उन लोगों का जो ओढ़नी है ना, देहात सिंधी देहात की बात की जाए तो उन लोगों का जो ओढ़ना है इनके, मुझे ये बताएं कि सर में मटका रख कर वो ओढ़ कर कैसे चल लेते हैं। ना उन लोगों की ग्रिप थी, उन लोगों ने हम जिस चीज़ पे अपनी ग्रिप हासिल कर लेते हैं ना वो काम हम कर लेते हैं, जिस तरह देखेंगे तंदूर में रोटियां लगा लेते हैं हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम है, वो यहाँ से यहाँ तक और चूड़ियाँ पहनते हैं वो सिंध कल्चर में है कि इस तरह रोटियां बना के हम तंदूर, वो हम नहीं सॉरी दहात के लोग तंदूर में ये लगा रहे हैं और निकाल भी रहे हैं, हम लोग जाए शहरी हवातीन जाए तो उनके तो हाथ ही जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो हमारा थीम जो है बेसिक जो समझ लेना कि तहमीना वैसे एक बात है, दहात की तो औरतें तंदूर में रोटियां लगा लेती हैं हाथ पे, शहर की औरतें तो बेलन पे रोटी बना के, तो बेलन की भी रोटी उनसे गोल नहीं बन रही होती। ऐसे मत कहे, मैंने आज ही रोटी बनाई और ऐसे गोल गोल बनाई और उसको मैंने उछाला भी कुछ दिन पहले मैंने रोटी बनाई, मुझे जी इधर से मैं प्रोग्राम करके घर गई तो मैंने कहा मैंने रोटी खानी है, मामा कहती मैंने पुलाव बनाया, मैंने कहा नहीं जी मैंने रोटी खानी है, मैंने रोटी बनाई तो जी एक तो तवा ठंडा हो गया, आधा ठंडा था आधा गर्म था, और फिर उसके साथ साथ मेरी रोटी जो अब नक्शा बन चुकी थी। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह रोटी पकाने में मैं माहिर हूँ, बेलन पे हाँ बेलन पे बनाओ तो हाथ पे भी, हाथ पे भी, और ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है, रोटी बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है मेरे लिए। जिस दिन इसे नक्शा बनाया ना व्यूअर्स मैंने आप लोगों को दिखाना है, बस मैं इसके नक्शा बनाने के इंतजार में हूँ मैं, ठीक है वो आप देखेंगे इंशाल्लाह जब आप पता नहीं शायद मैं मर चुकी हूँ बिजली पे आ जाए सोनी। जब बिजली नहीं थी हुआ करती तो तब लोग गांव में क्या करते, लालटेन जलाया करते थे, दिए जलाया करते थे। मैं आपको एक और बात बताऊं कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं जिस अभी उन्होंने पोस्ट संभाली हुई है, कोई ना कोई अपने मुकाम पर हैं, जब उनसे पूछा जाता है ना कि आपने कैसे तालीम हासिल की थी, कहते हैं कि कभी कभी हमें लिखने को पेज भी नहीं था मिलता, वर्का भी नहीं था मिला करता, हम कपड़े अपनी बहनों की चादरों पे लिखा करते थे, ऐसे किया करते थे, और कभी कभार तो लालटेन की लाइट ऐसी होती थी हम बाहर सड़क में बैठ के ना जहाँ पर लाइट आ रही होती थी कहीं घर से काफी दूर जाकर, अच्छा तहमीना वहाँ पर बैठ के हम काम, पहले लोग दिए जलाया करते थे, दिए ही होते थे, लेकिन लालटेन का भी जिसने कोई कंसेप्ट निकाला ना उस बंदे का माइंड है, जिसने भी निकाला हमें पता नहीं है, बहुत क्रिएटिव माइंड है जिसने लालटेन का कंसेप्ट निकाला, और फिर उसके साथ साथ हम लोगों को बिजली भी मिल गई। अब तो कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पे बिजली ना हो, बिल्कुल बिजली तो हर जगह पहुंची हुई है, हर जगह पे हर जगह पे हर गांव में हर शहर में, गांव का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां बिजली ना हो। एरियाज ऐसे अभी भी हैं जहां पर बिजली का कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा मौजूद है वो पाकिस्तानी एरियाज हैं, मैंने ऐसे गांव देखे जहां बिजली तो है लेकिन उन लोगों के दहात में खास तौर पे उन लोगों ने ना वो एक ही उसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा वर्ड,
वो तारे लगाई होती हैं और तारों के ऊपर ही वो कोई कुंडी नुमा लटका देते हैं और उधर से बिजली ले रहे होते हैं। मीटर नहीं लगाते अपना अपना, वो मीटर नहीं लगवाते वहां से बिजली। और ऐसा भी है कि बिल भी आ रहा होता है। ऐसा भी है कि कुछ इलाकों में स्पेसिफिक बिल आता है। आप देखें कि हमारे पंजाब में बिल डाल दिया जाता है सारे एरियाज का शायद, लेकिन और एरियाज में देखा जाए सिर्फ 300 सोली 300 बिल आता है। जैसे पिछले दिनों में तहमीना एक बार पे रो रही थी, कह रही थी हमें पानी का बिल आया क्यों आया। हालांकि वो बिजली के बिल में कोर्ट को करा रहा था, मैं रो नहीं थी, मैं बता रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ये स्पेशल इधर आके पूछ रही सर बताए वो बिल क्यों आया है। जाहिर है हमें हमारा पूछना बनता है, हमें एक एक चीज़ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि हमें पता चलना चाहिए कि हमारे पैसे सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। सही जा रहे हैं। पैसा जब कमाया जाता है ना तो वो वही जानते हैं जिन्होंने कमाया होता है। लगाने में थोड़ी तकलीफ भी होती है। एग्जैक्टली जी सोनी, इसके बाद मुझे बताएं कि आप किस कदर इस चीज़ को सोच सकती हैं, यानी कि अगर हमारे वक्त में ऐसा होता, लाइट ना होती। आप देखें कि बिजली थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है तो हर तरफ अंधेरा और अजीब सा एक माहौल क्रिएट हो जाता है। अल्लाह माफ़ करे, बात करनी नहीं चाहिए। वो ऐसे लग रहा होता है पता नहीं हम कहाँ पे अंधेरी कोठरी में कैद हैं। जब लाइट अचानक चली जाए और UPS भी ऑन ना हो तो ऐसे लग रहा होता है कि हम अंधेरी जो है ना कोठरी में घुस चुके हैं। अगर मतलब लाइट ना हो और बिल्कुल अंधेरा हो और ऐसा लगता है कि बस हम कहीं पर नहीं है और हमारा आखिरी वक्त है और हम कब्र में हैं। बिल्कुल ऐसा है। आप तो मूवी भी देख सकती हो ऐसी कंडीशन में। मैं तो वो हॉरर मूवी भी आजकल तो आपके पास आजकल आपके मोबाइल है, मोबाइल की टॉर्च है आपके मोबाइल में। ना अचानक लाइट चली जाए ना, अचानक लाइट चली जाए तो ये भी बड़ा मसला होता है कि उस टाइम पे ऐसे अंदर की तरह अचानक लाइट चली जाए तो फिर ऐसे होते मोबाइल और कोई चीज नहीं नजर आ रही होती, फुल अंधेरा हो जाता है। जी आगे 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 देहात और शहरी रहन सहन भी बहुत मुख्तलिफ होता है, डिफरेंस होता है, अलग अलग होता है। देहात की ज़िंदगी और तरीके की है, शहर की ज़िंदगी और तरीके की है। तो अब आप मुझे बताएं और कोई आपकी चीज़ रह गई देहात के ऊपर बात करने वाली। अभी आप मुझे शहर की ज़िंदगी के बारे में बताएं कि शहरी लोग पानी कहाँ से हासिल कर लेते हैं। वैसे तो मोटर लगी होती है लेकिन फिर भी हम लोगों को पानी साफ़ नहीं मिलता और हम वो पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करते। इसीलिए हम देहाती लोग जो होते हैं ना, हमारे चश्मों से पाइप लगे हुए होते हैं हमारे घरों में आ गए आजकल। हम लोग 350 फुट भी बोर करवा लें तो फिर भी हमें साफ़ पानी नहीं मिलता, तो फिर हम कहते हैं जी 500 फुट बोर होना चाहिए और फिल्टर का पानी हमें मिलना चाहिए। अगर हमें वो भी पानी नहीं मिलता फिर हमने स्पेसिफिक चीज़ें की होती हैं कि हांडी आटा और उसके अलावा पीने का पानी जो है वो हम मिनरल वाटर यूज़ कर रहे होते हैं उस टाइम पे। ये हमारा हाल है। सोचें आप गुसल खाने में हैं और आपने टैप ओपन किया है और उसमें से सांप नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बहन। मैं चश्मों के पानी की बात कर रही हूँ कि देहाती लोग बहुत ज़्यादा शहरी चीज़ें पिक कर चुके हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो शहरी कल्चर अडॉप्ट कर लिया है, देन उन्होंने अपने घरों में वही चीज़ें जो शहरों में होती हैं वो कर ली हैं। पानी लेने के लिए अब उनकी बेटियां बाहर नहीं जाती, चश्मों से उन्होंने बड़े बड़े से पाइपलाइंस करवा कर अपने घरों में पानी का कनेक्शन करवा लिया है। ना इंसान चाहे देहात में रहे या शहर में, हर इंसान को ज़िंदगी में आसानी चाहिए कि जो भी काम है वो फटाफट जल्दी जल्दी और जिसको बोलते हैं झटपट हो जाना चाहिए। और देहात का बंदा है या शहर का बंदा है उसे बस आसानी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी जो है ना वो आसान तरीन हो जाए। ज़िंदगी जब आसान तरीन होती है फिर हमारे लिए उसके नुकसान आप देखें कि अब रोटी हम हाथों से बनाया करते थे, अब आटा गूंदने वाली मशीन आ गई आपके पास और हम उतने ही सोच हो चुके हैं। रोटी बनाने वाली मशीन भी आ गई है आपके पास और दबाने वाली मशीन भी आ गई है आपके पास। अब तो अम्मियों को बस वो चीज़ें ला के दे दे और आप लेकिन में ना उन चीज़ों का मज़ा नहीं है। अगर आप मशीन में आटा गूंदे ना उस आटे की रोटी नहीं ठीक बनती। अब जब तक आटा गूंदने नहीं पड़ता, ऐसे आटा डालें, ऐसे पानी डालें, ऐसे तेल डालें और वो रोटी बनाती है और साथ साथ बाहर निकालती रहती है और आप लोग खा के भी यही हाल है। नहीं अल्लाह का शुक्र अभी तक हम इतने भी एडवांस नहीं हुए बहन। नहीं ऐसी मशीनरी आ चुकी है उसमें नो डाउट आ चुका है। जी व्यूअर्स यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद और आपको अगली जिंदगी बताते हैं, सॉरी देहात और शहर की और मुनफरिद जिंदगी बताते हैं। तो लेते हैं
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सुबह। जी हम बात कर रहे थे दही और शहरी जिंदगी के बारे में। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सुबह। बस नई सुबह देख रहे हैं, किनके साथ देख रहे हैं ये तो बताया ही नहीं है बहन ने। तहमीना मलिक और सोनी राणा के साथ। जी जी सोनी, आपने कभी खेत देखे? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है कि दौरे कदीम में, पुराने जमाने में बात करें तो लोग खेती बाड़ी कैसे किया करते थे? वो स्पेशल जो बैल होते थे शायद, हाँ, उनके साथ बैल के पीछे एक पता नहीं क्या कहते हल, उसको हल लगाकर उसको बैलों को आगे से हांका जाता था और फिर बैल आगे से भागते थे, पीछे से उसको हल को पकड़कर इतनी मुश्किल से उसको मूव करवाया जाता था और पूरे खेतों में हल उसके जरिए से डाला जाता। पर तहमीना तक फसलें भी जो हमारी थी ना, 6 माह बाद पैदावार, फसलों की पैदावार 6 माह बाद होती थी, अचानक दी थी हो जाती, जल्दी जल्दी दी थी हो जाती, जैसे कि अब 6 या 4 माह का शायद टाइम लगता है 4 माह बाद उग पड़ती है। और अब ये सिस्टम हो गया है कि ट्रैक्टर के साथ हल चलाया जा रहा है और हम लोग बहुत मशीनरी खाद डाली जाती है। और उसके बाद एक और चीज़ बताऊं कि आजकल घास काटने वाली स्पेशल मशीनें आ चुकी हैं और पहले लोग हाथ से, और स्पेशल एक क्रेन्स मंगवाई जाती हैं, वो वेजिटेबल को क्या कहते हैं उसको, जो गंदों की चावलों की कटाई के लिए क्रेन यूज हो रही है, जबकि पहले स्पेशल दरांती इस्तेमाल की जाती थी। और अब वो ऐसे काटती है, साथ साथ बांधती है और फेंकती है, काटती है बांधती है और फेंकती है। थोड़ा सा टाइम जो है लोगों को बच गया है, लोग जो है अब आसानी से तकरीबन पक्का पता नहीं है 10-12 लाख की तो वो गाड़ी आ जाती होगी, फिर आसानी से वो कट कर लेते हैं उसको। और फिर हर काम जल्दी का ना, हमें हर काम में जल्दी चाहिए। तहमीना लास्ट टाइम ये जो फर्स्ट टाइम कोरोना के केसेस में लॉकडाउन हुआ था मार्च और अप्रैल में, तो तब ये मेरे हाथ से गंदम की कटाई चल रही थी, तो जिसमें स्पेशली लोगों ने पोस्ट देना शुरू कर दी थी, अगर किसी को जॉब नहीं मिल रही तो वो इधर आ जाए, ना तलीम की ज़रूरत ना तजर्बा की ज़रूरत, एक अदर दराम थी और अपने घर गंदम ले जाए जितनी हमने ले कर जानी है। बहुत फ़ायदे थे पहले, लेकिन अब चले जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ नुकसान भी हैं। और अब जदीद मशीनरी ने लोगों को थोड़ा सा फैंसी कर दिया, फैंसी किया तो है, लेकिन इसके बाद भी लोग जो हैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मशीनरी एक बेसिक नीड हो चुकी है। हालांकि पहले लोग इसको काम करते थे पसीने की वजह से, लोगों को जिम नहीं थी लगानी पड़ती, उनकी जिसामत ऐसे हट्टे कट्टे नौजवान होते थे। आप सोनी चुस्त तंदुरुस्त चबंद और तवाना लोग हुआ करते थे, लेकिन अब जो है जितनी मशीनरी आम होती जा रही है उतने लोग बीमार और तकलीफ में ना। किसान भाइयों पे अगर आ जाए, जो देहात में स्पेशली काम करते हैं, अगर किसान ना होते कारखाने और फैक्ट्रियां ना होती। अच्छा क्यों बोला? क्यों? क्योंकि किसान कपास उगाते हैं, कपास से ऊन बनती है और ऊन जो है वो कारखानों में जाके बनती है, ठीक है। और उसके साथ साथ हमें किसान और भी बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जिनमें ये भी है, गंदम कपास अगर उनकी कटाई होती है, गंदम की कटाई है कपास की कटाई है तो वो भी उसके लिए भी फैक्ट्री और कारखाने ही होते हैं, जैसे आटा की फैक्ट्री हो गई, चावल की फैक्ट्री हो गई, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें एक बहुत ही अच्छी पैकिंग में शहरियों के लिए दस्तयाब होती हैं और हम लोग बड़े शौक से जाके किसी भी मार्ट पे जाते हैं, जी हमें ये वाले चावल दे दे, ये अच्छे चावल हैं, हमें ये वाला आटा दे दे, जैसे कौन सा आटा आजकल बड़ा वो जा रहा है, सोना शायद पता नहीं, इस तरह सोना फ्लोर पतन जो भी है, नाम नहीं हमें याद। चलें तहमीना, और इसके अलावा मुझे बताएं कि आपके शहरी मशरूबात क्या क्या हैं? कोल्ड ड्रिंक्स, पेप्सी, कोक, स्प्राइट और उसके साथ साथ ये वाली चीज़ें हैं आपकी, कोक, पेप्सी, स्प्राइट, कोल्ड ड्रिंक्स, और उसके साथ सर्दियों में एक चाय हो जाती है, और चाय बस और क्या चाहिए बहन? आप हमारे देहात में आए, लस्सी पिलाएंगे जनाब, लस्सी। कौन सी वाली? जो कहती हैं आप, मसाला वाली लस्सी? नहीं, वो चाटी की लस्सी। हाँ जी, चाटी की लस्सी, लस्सी पे तो हम लोग लड़ पड़ते थे। अरे मीना, वो चाटी की लस्सी कितना मजे का वो कॉन्सेप्ट लगता है, वो इस तरह करना, वो पता नहीं क्या उसको बोलते हैं डाल के, अब तो मशीनी मदानी भी आ चुकी है तो मदानी, हाँ मदानी का, अब मशीनी मदानी आ चुकी है, नहीं तो पहले वो ऐसे
चलाना करना आप लस्सी, चाटी की लस्सी को ले ले सोनी, या दही की लस्सी को ले ले। जो चाटी की लस्सी, चाटी की लस्सी का मुकाबला दही की लस्सी नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन देहात में सुबह सुबह उठकर सबसे पहले लोग लस्सी पीते थे और पीते हैं। और उसकी वजूहत ये है कि लोग ये समझते हैं कि सुबह सुबह के टाइम मैदा जो होता है वो खाली होता है और हीट होती है और पॉइजनेबल होता है। जब हम लस्सी पीते हैं ना, तो वो जो पॉइजन होता है लस्सी में मिक्स होकर कहीं रिलैक्स कर। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि लस्सी जो है ना वो हाजमेदार भी होती है। हाँ जी, आपके शहरी इस लस्सी को इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन हमारे देहात में इसको लस्सी के साथ एक बेसिक सौगात होती है, साग वो खाते हैं। लेकिन एक और बात बताऊँ, मैं खुद भी इसको अप्लाई करती हूँ अपने पे, लस्सी प्याज की, सिर्फ प्याज और वो जो खट्टा खट्टा सा होता है अनारदाना, अनारदाना को सिर पर पीस कर उसका नमक मिर्च उसमें डालकर, मुझे भूख लग रही है, तुम नमक मिर्च उसमें डालकर बता दी, और मक्खन जो है पहले रोटी पर लगाकर फिर उसके ऊपर चटनी लगाकर उसको फोल्ड करके देन मैं लस्सी के साथ उसको खाती हूँ। उसके साथ साथ आपको पता है कि देहात में एक और भी चीज़ है, गुड़, गन्ने से जो गुड़ बनता है। गुड़ रो, आपने कभी गन्ने का रो लिया? हाँ मैंने पिया। वाओ, जबरदस्त। और समटाइम यहाँ हमारे रोड पे, जीटी रोड पे स्टॉल लगे होते हैं, तो स्पेशली मैं तो रुक के कहती हूँ कि मुझे पिला दे। जीटी रोड पे बरेका लगी या गन्ने वाला रो देख के। बिल्कुल, जिस तरह देहात शहरी ज़िंदगी बहुत आसान है, हमें बहुत से नुकसान भी मिलते हैं शहरी ज़िंदगी से, लेकिन फिर भी आपको मैं एक और चीज़ बताऊं कि हमारे मशरूबात में सत्तू भी शामिल है और हम शक्कर के साथ सत्तू को यूज़ करते हैं। गर्मियों में बहुत अच्छी थिंक है, बहुत अच्छी चीज़ है, मज़ा आता है। कभी आपने इसको ट्राई किया? हाँ मैंने पिया, मुझे बहुत पसंद है। पिया, उसका टेस्ट कैसा होता है? एक मिनट, झूठ भी पकड़ा? नहीं नहीं, मैंने सच्ची में पिया, वह बहुत टेस्टी होता है, उसमें शक्कर डाल के ना मैंने पिया। आपने कभी रेमेडी को ट्राई किया? नहीं, वो नहीं मैंने ट्राई। आउटस्टैंडिंग टेस्ट। आप जाहिर है हम लोग तो देसी हैं, हम ऐसे करते हैं कि हमारी अम्मियाँ जो देसी अम्मियाँ हुआ करती थी ना, दूध के अंदर बादाम जो हर चीज़ की मेवा जार डाल कर ना उसको चूल्हे पर उबलने के लिए रख दिया करती थी। जब दूध उबल उबल कर थोड़ा सा रह जाता था ना, वो कहती थी आप इसको ठंडा करो, ठंडा करने के बाद जब उसको पंजाबी में तो काढ़नी कहते हैं, उर्दू में पता नहीं इसको क्या कहते होंगे। लेकिन एक और चीज़ है मैं आपको बताऊँ, ना एक मिनट, आपने गांव के ऊपर बहुत बात कर लिया, तो आप ही अपने शहर पे बात करें, मैं तो गांव को प्रेजेंट कर रही हूँ। नो डाउट, अगर गांव की ज़िंदगी आसान नहीं है, वहाँ पे ये वाली सहूलतें हैं, अच्छी हमें ग़िज़ा मिल रही है, हम सेहतमंद है, चौको चौबंद है, तवाना है, लेकिन शहर के भी थोड़े मसले हैं। शहर में अगर हमें सारी सहूलतें मिलती हैं, ऑल टाइम आपको शॉप्स खुली मिलेंगी, मार्ट हैं खुले हुए मिलेंगे, उसके साथ हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर जल्दी अवेलेबल हो जाता है, आपके गांव में ऐसा कुछ नहीं है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है मैम? हाँ सॉरी, मैं तो लड़ने को आ गई। ऐसे कैसे हो सकता है? कदीम दौरों में ऐसे हुआ करता था, अस्पताल की सहूलत मुयसर नहीं थी, तब शहरों में भी देहातों वाले ही साफ करता था, गाँव में नहीं होता। तो गैस के बारे में हम बाद में बात करेंगे, हम हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के हवाले से दौरे कदीम और जदीद में। मैं थोड़ा सा बयान कर दूँ? जी करें बयान, आपको मना नहीं किया, लेकिन मैं जदीद और कदीम के बारे में बता लूँ। अब हॉस्पिटल्स जो हैं देहात में भी मौजूद है, अब सरकारी जो थोड़ी थोड़ी डिस्पेंसरीज होती हैं, लेडीज हेल्थ वर्कर्स जाकर औरतों को मशवरे दे रही होती हैं। एक मिनट, हम ये अब की बात है, ठीक है, अगर हम कदीम चले जाएं, हकीम हुआ करते थे और जमाने कदीम में चले जाएं, जमाने कदीम में बात करें तो हकीम हुआ करते थे, और कुछ हकीम ऐसे जबरदस्त होते थे ना सोनी, कुछ हकीम ऐसे थे कि जिनके पास दवा सिर्फ नब्ज से, हाँ नब्ज से आपको बता दिया करते थे कि इसमें ये बीमारी है, इस बंदे को ये बीमारी है, और उनका इलाज क्या होता था। आजकल के डॉक्टर इतने टेस्ट करवा लेते हैं लेकिन तब भी जाके बीमारी का पता नहीं चलता कि बीमारी क्या है। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कि वो पता नहीं क्या बोलते हैं, पंजाबी की एक कहावत है, मुझे पंजाबी की कहावत याद नहीं है, कि हो सर दर्द रहा है दे पेट दर्द की दवाई नहीं है, देते पेट दर्द की दवाइयाँ, ये हाल है। बस क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते। शहर की ज़िंदगी मुश्किल ज़िंदगी है, मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी है, कारोबारी ज़िंदगी है, मुश्किल है।
देहात के लोग भी काम करने को निकलते हैं, लेकिन वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो पुरसकून होता है, लेकिन रात को जैसे शहरी लोग 12-12 1-1 बजा देते हैं, ऐसे देहात के लोग नहीं करते, वो 9-8 बजे सो जाते हैं, 7 बजे सो जाते हैं। हाँ, अच्छा, शहरों में एक ये भी बहुत मसला है कि हमें आलूदगी का बड़ा सामना करना पड़ता है, फ़ज़ाई आलूदगी और माहौलियाती आलूदगी। बिल्कुल, माहौलियाती आलूदगी में जितने भी हॉस्पिटल्स हो गए, फैक्ट्रियाँ हो गई, कारखाने हो गए, पहले तो इनको चाहिए कि अपना जो कचरा है या कूड़ा करकट है ना, उसको वो दूर जाके फेंका करें। कराची में खासतौर पर ऐसा होता है कि वो कूड़ा जो है ना समुंदर के करीब फेंक देते हैं, और समुंदर के करीब जब फेंकते हैं उसकी स्मेल, लोग आउटिंग के लिए आते हैं और उनको वो इन्वायरमेंट नहीं मिलता, वो चीज़ नहीं उनको मिलती। फिर उसके साथ साथ फिजाई आलूदगी, गाड़ियों का धुआं उससे। फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ और कारखाने शहर अंदरून शहर में लगाए होते हैं, जो हमारे शहरी लोगों को बहुत ज़्यादा बीमार रखती हैं और बीमारियों का सबब बनती हैं। अगर देख लें, मतवाजन किया जाए, कंपेरिजन अगर कर लिया जाए, शहरी लोग ज़्यादा बीमार होते हैं, देहाती लोग इतने बीमार नहीं होते। लेकिन अब ये भी चीज़ आ चुकी है, सोनी, देहाती लोग बीमार होते हैं, लेकिन वो बीमारी को, बीमारी बढ़ने से पहले उसको जड़ से ही ख़त्म कर देते हैं। लेकिन तहमीना, मैं आपको मैं एक चीज़ बताऊँ सोनी, कि अगर हमें हमारे बड़े, अब देखें कि रात में किसी को पेट में दर्द हो जाती है, अब सुबह के 4 से 3 के दरमियान का टाइम है, अब किसी के पेट में दर्द हो रही है, हमारी माएँ, शहरी माएँ क्या करती हैं, वो जो मसाले के बीच मोटी इलायची होती है उसको डालती हैं, दालचीनी को ले लेती हैं, और उसके बाद बादियान ले लेती हैं, बादियान का फूल डालती हैं, और ये सबसे इलायची डालकर उसमें पत्ती थोड़ी सी उसके ज़रे डालकर तो कहवा बनाकर बच्चों को देती हैं। तो अब देखें कि ये कहाँ से उन्होंने इज्जत हासिल किया, ये देहात से बेसिकली उठाया गया। मैं आपको एक बात बताऊँ, आजकल मैंने जो देखा है, शायद आप लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, देहात के जो लोग हैं ना वो हमसे ज्यादा कॉन्शियस हो गए, शहरी लोगों से ज्यादा देहात के लोग कॉन्शियस हो गए। तो मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद, और आपको बताते हैं कि जो देहाती लोग हैं ना वो थोड़े कॉन्शियस और फैंसी टाइप क्यों हो गए हैं। तो चले ब्रेक पे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सुख तहमीना मलिक और सोनी राणा के साथ। सोनी, हम बात कर रहे थे देहात पर और शहर पर। अच्छा, मुझे बताएं कि जब पुराना वक्त था, सबसे पहले को पुराना देहाती वक्त था, लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, पैदा हुई लेकिन आपने पढ़ा होगा कहीं किताबों में, आप मुझे बता सकती हैं कि वो कौन सी चीज़ थी जिससे लोग एंटरटेन हुआ करते थे, खबरें सुना करते थे, इंफॉर्मेशन हासिल होती थी? रेडियो। यस, रेडियो पर हमारे पहले जमाने के लोग जो थे ना, देहाती लोग, शहरी लोग, तब रेडियो चोरी भी हुआ करते थे। तब किसी के पास अगर कोई, मेरे ही हाल में सोनी, तब ऐसा हुआ करता होगा कि अगर कोई अपनी गर्लफ्रेंड को, सुना तो सही ना, तब पता नहीं गर्लफ्रेंड का सिस्टम हो के ना हो, सब दोनों में गर्लफ्रेंड का सिस्टम होता है। तहमीना, आपको एक और चीज पता? हाँ जी, के गांव के लोग सबसे ज्यादा सिटी, उनके अच्छी अच्छी सिटी उन्होंने संभाली हुई है, क्योंकि सोनी अब देखें कि कुछ फादर्स जिन्होंने मुश्किलात का सामना किया होता है, अब कोई वहाँ का चौधरी रहा हो तो उसने कोई कागजात को सिग्नेचर करवाने के लिए गया हो, उसको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा हो, उसने फिर एक माइंड सेटअप कर लिया होता है, नहीं, मेरा आने वाला चश्मो चराग इस सीट पे बैठेगा, वो इस गद्दी का मालिक होगा। ते बिना बाकी ऐसा है, और यहाँ तक कि अगर किसी चौधरी के 4 बेटे हैं ना, उसने एक को डॉक्टर बनाना है, दूसरे को वकील, तीसरा इंजीनियर, और चौथा कोई भी, उसे डिसाइड पहले से चीजें की होती हैं। और यहाँ तक कि गांव के लोग ज्यादा ब्यूरोक्रेसी में आ रहे हैं, दीवे की छोरी, क्या कहते इसको, दिया, हाँ, दिए की रोशनी के नीचे पढ़ने वाले लोग हमेशा आगे निकल गए, और यहाँ पर रोशनियों पे रोशनियाँ डालने वाले लोग कहीं पीछे रह जाते हैं। हम शहरी लोग अभी भी गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम अपनी अपनी नफ्सियात की गुलामी में, हम अपनी जॉब से बढ़ के कुछ नहीं कर सकते। हम अगर जॉब्स करते हैं बैंकिंग, टीचिंग,
जो हमारी है इंजीनियरिंग, और इंजीनियर्स भी बेचारे उसको बोलते हैं धक्के खा रहे हैं दर दर के, ये हिसाब हो चुका है हमारा। तो बड़ा सोचे बड़ा खेले जी। सोनी अब हमने इतनी काफ़ी सारी बात कर ली इस पर, अब मैं आपको बताऊंगी जब ज़माना कदीम में मूवीज़ इंट्रोड्यूस हो चुकी थी तो लोग कैसे मूवीज़ देखा करते थे। जैसे आजकल मल्टीमीडिया, आजकल तो हर बंदा अपनी अपनी पसंद की मोबाइल पे देख रहा होता है। हाँ जी ऐसा ही है, लेकिन लोग इकट्ठे होते थे एक दिन एक घर में, और या तो वो आदमी उसकी बड़ी इनकम हो जाती थी, वो लोग इनफो जो था ना ख्वाहिश करते थे कि आज आपने ये वाली मूवी लेकर आनी है और हम सब मिलकर देखेंगे मल्टीमीडिया पे। और कुछ लोग फ्री देखने के चक्कर में हुआ करते थे, छतों पर चढ़ के अपने घर की छत पे बैठ कर ना उसको देखा करते थे मल्टीमीडिया। अच्छा, और बकायदा स्क्रीन ना, तब ना वहीद मुराद मोहम्मद अली की मूवीज बहुत देखी जाती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और यकीन माने उन्होंने जो सॉरी रानी सरफराज और ये पता नहीं कौन, और वहीद मुराद को तो शबनम रंगीला, शबनम रंगीला, मोहम्मद अली, मुनव्वर शरीफ, और उसके साथ और जो मोटी मोटी आंखों वाले थे उनका क्या नाम था, नन्ना है शायद, वहीद मुराद, वहीद मुराद का मैं नाम तो ले रही हूँ ना, लिया वहीद मुराद नन्ना है, वो भी उनकी भी बड़ी मजे वहीद मुराद को ही तो मैं कह रही हूँ, उनको चॉकलेट हीरो का दर्जा दिया गया, चॉकलेट हीरो का खिताब मिला है। और पता है उनका वो सॉन्ग मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मत वाली सी, नाजुक सी मरमीली सी, मासूम सी बोली बाली सी, रहती है वो यहाँ कहीं, अता पता मालूम नहीं, कोको करीना कोको करीना। मतलब ये उनका सॉन्ग अभी तक पॉपुलर है और हिट है, और वाकई वहीद मुराद इज माय बेस्ट एक्टर 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 हीरो। ओके जी, शादी पे बात कर ले। Sure, why not? अच्छा, पिंड था की शादी। अच्छा, पिंड 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 गांव की शादी, देहात की शादी, लेकिन पंजाबी लोग जो थे। व्यूअर्स, मैं आपको यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी, पिंड में रहने वाला पेंडू नहीं होता, शहर में रहने वाला शहरी भी नहीं होता। कुछ में जाहिल लोगों को, जाहिल जो अवाम है या जाहिल सॉरी लोग हैं उनको पेंडू बोला जाता है, पिंड में रहने वाला पेंडू नहीं है। क्योंकि गांव में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, बहुत से लोगों ने सिटियाँ संभाली हुई हैं, और यहाँ तक कि गांव के लोग बहुत तरक्की कर चुके हैं। अच्छा सोनी, और तालीम याफ्ता भी बहुत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पुराने ज़माने की शादी के बारे में बात करेंगे। पुराने ज़माने की शादी में ऐसे होता था जब बारातें आती थी तो दो दो दिन स्टे किया करती थी। अच्छा। और उनका बकायदा से खानों का अहतमाम, उनकी बड़ी इज्जत की जाती थी ना, और ननियाल वालों की फैमिली और ददियाल वालों की फैमिली में कॉम्पिटिशन होता था, और बड़ा ही गानों का टाकरा, और जैसे ही ददियाल और ननियाल वाले थे जैसे साथ ही गाने शुरू, ये हो गया वो हो गया, तारे क्या क्या, एक मिनट, वो बोलियां होती थी, बोलियां एक दूसरे को ना वो बोलियां मारी जाती थी या दी जाती थी, वैसे तो मारी जाती कहा जाता है, बोलियां दी जाती थी एक दूसरे को, जिनमें टॉन्ट भी होता, मजाक भी होता, ताना कह सकते हैं, मतलब किस तरह जी ए वो मैं बोल सकती हूँ जी ए नानके जेते ए दादके जे। हाँ बेसिक यही है, देहाती लोग बड़े कमाल के लोग होते हैं और मजा आता है, और यार लोग सारे कमाल के होते हैं, लेकिन कहा जाता है कि देहाती लोग दिल के साफ होते हैं। अच्छा तहमीना, एक बात है, आपने बात की कि बारात दो दिन स्टे करती थी, खाने तो तब फिर वो जो ज्यादा वाले खाने कम होंगे शायद। नहीं सोनी राना, खाने उसी तरीके से नहीं, वैरायटीज कम होंगी ना, वैरायटीज आप छोड़ पाते थे, आप देखिए कि हालिस चीजें जानवर अपने खुराके अपनी अपनी हर चीज अपनी फसल से उठाकर खाना बना रहे, तभी वैसे ही होता था बिना। आजकल तो ये हाल है कि मैरिज हॉल में 2 घंटे का इवेंट है, 2 घंटे का प्रोग्राम है, वैरायटीज बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी इमरान खान ने एक डिश वन डिश का ऐलान किया हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग बात नहीं आते। एक और बात सुनी मैं आपको बताऊँ, शादी से बात याद आई कि आपको पता है कि पुराने ज़मानों में दुल्हन आज तो लड़कियाँ लड़कों को देख लेती हैं और पसंद से कहती हैं कि हमने इसी से शादी, तो बेचारी निकाह के बाद ही देखती तो लड़का भी, मैं आज मैं लड़कों की साइड दूंगी, आपने लड़कियों की बात करनी है, इस लड़का जब घूंघट उठाएगा, एक मिनट या अल्लाह तेरा शुक्र लड़के ने जब घूंघट उठाना तो जाहिर है एक मन की मर्जी होती है, अगर आगे से वैसी चीज ना मिले तो दुख होता ही है, मतलब कुछ लोग सूरत पता नहीं ना मिले,
सोनी, कुछ लोग तो महीनों गुजर जाते थे बीवी की शक्ल नहीं थे देख पाते। बिना वो तब ना शर्मो हया का कंसेप्ट बहुत था, शर्मो हया बहुत थी। अब वो चीज खत्म हो चुकी है। अब हम इतने फैंसी, इतने मॉडर्न ख्यालात के हो गए हैं कि हमारा अगर रिश्ता भी आ रहा है ना तो हम तस्वीर जो है ना वो मोबाइल फ़ोन पे देख लेते हैं। जी मोबाइल फ़ोन पे इस लड़की की या लड़के की तस्वीर आए, हम लोग रिश्ता खुद पसंद करते हैं लेकिन तब रिश्ता माँ बाप पसंद करते हैं। यहाँ तक कि माँ बाप भी नहीं, मैंने गाँव में सुना हुआ है कि जो गाँव में रहने वाले चौधरी और पता नहीं उनको क्या बोला जाता है, उनके यहाँ रिश्ता भिजवाया जाता था, मतलब वो रिश्ता देखते थे और वो ही पसंद करके सब कुछ वो ही करके आते थे। माँ बाप को भी नहीं था पता होता कि हमारी पंचायती बोलते हैं उसको, नहीं नहीं पंचायती नहीं, हमारे आने वाली बहू कैसी है, हमारा आने वाला दामाद कैसा है। हाँ नहीं, ये हमने इस मूवी में देखा है ना कि वो कोई थर्ड क्लास बंदा होता था उसके हाथ रिश्ता भेजते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। ये किसी के घर रिश्ता लेके जाना बड़ा अजीब समझा जाता था, बहुत गलत समझा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी व्यूअर्स, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सुबह, हम दोनों होस्ट के साथ न्यू हो गया है ना। हाँ। जी सोनी, हम अब किसके बारे में बात करेंगे? मीना, हमने देहात 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 कर लिया है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि बन चुका है। मैंने आपसे कहा था कि मैं कदीम देहात की बात कर रही हूँ, आप शहर 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 करेंगी। और मैं शहर 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 करूँगी, शहर 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 की क्या बात है, हर बात ही शहर में है। शहर में, शहर ने शहर को शहर की नज़र से देखा, फिर आगे क्या हुआ मुझे नहीं पता। सोनी को क्या हुआ? मुझे कुछ भी नहीं हुआ इससे पहले कि इसकी मैं क्या वर्ड इसके लिए छोटी भी शायरी हमेशा जब भी शायरी करती है गलती करती है, कभी अच्छी शायरी नहीं कर सकती। तो मैं कर सकती हूँ गलत शायरी। आपने गुड़ वाली चाय पी है कभी? बिल्कुल। कैसी होती है? बहुत मज़े की होती है, मैं तो अभी भी पीती हूँ। तंदूरी चाय जाके पियो, मैंने आज तंदूरी पी है ना। ओह माय गॉड। और तंदूरी रोटी खाई है? खाई है। कैसी होती है? बड़ी अच्छी होती है। खुद से बना के कभी खाई है कि तंदूरी रोटी खुद बनानी पड़े और तंदूर में लगानी पड़े, फिर तंदूर से निकाल के गरम गरम खानी पड़े? ओए होए, ये ऐसे काम मैं नहीं करती। अच्छा, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, बहुत मुश्किल काम है तंदूर की रोटी लगाना। व्यूअर्स, मैं आपको कहना चाहूँगी कि शहरी ज़िंदगी अगर बहुत आसान है तो उसके साथ साथ मुश्किल भी है। मुश्किल इसलिए कि यहाँ रात की नींद हराम, उसके साथ साथ वर्जिश से दूरी, हम वर्जिश नहीं कर पाते, साथ में हमें नाकस गजाएँ मिलती हैं, गंदा पानी, धुआँ, जो हमारी सेहत पे असर अंदाज होता है। और हम शहरी 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 करते हैं लेकिन हमें देहात का भी चक्कर लगाना चाहिए, वहाँ की ज़िंदगी भी देखनी चाहिए, उसके साथ साथ हमें ये कुछ चीज़ें फील भी करनी चाहिए। ऑक्सीजन जो हमें फ्रेश नहीं मिल रही, बिल्कुल फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिल रही। शहरी और देहाती ज़िंदगी अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए, आजकल तो देहात मिलते ही नहीं है, कहीं मिलने ढूंढने को बहुत कम मिलते हैं, लेकिन अगर आप शहर में रह रहे हैं तो भी, अगर आप देहात में रह रहे हैं तो भी, आपकी दोनों के अहलाकियात ऐसे होने चाहिए कि अगर शहरी देहाती से मिले तो भी पूरे खलूस और अहलाक से मिले, और अगर देहाती शहरी से मिले तो भी पूरे खलूस और अहलाक से मिले। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, पूरा खलूस होना चाहिए। ये नहीं है कि बस जी हम शहरी हैं तो हम अपने आप को पता नहीं क्या समझ बैठे हैं। ये चाल ढाल जो होते हैं ना एक एनवायरनमेंट से आते हैं, लेकिन शहरी और देहाती की चाल में भी लोग फर्क ढूंढ लेते हैं। आप जिस माहौल में रहेंगे उसका असर आप पे ज़रूर होगा, क्योंकि माहौल हमेशा असर अंदाज होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि जिस कंपनी में, जैसी कंपनी में बैठोगे वैसे रहोगे, वैसे ही रहोगे। इसीलिए तो कहते हैं कि अच्छे दोस्तों की कंपनी में बैठना चाहिए। बिल्कुल, अच्छे लोगों की कंपनी में ही बैठना चाहिए, क्योंकि जब तक आप लोगों के साथ वाले लोग अच्छे होंगे, अगर कोई लगता है ना कि एक दो बंदा ख़राब है, उसको आप ठीक भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारा इन्वायरमेंट ही ख़राब है, आपकी ज़हनियत पाकीज़ा होनी चाहिए। मैं बार बार इस चीज़ को कोट करती हूँ ना, एक मिनट, हमारे यहाँ तो ये भी बोला जाता है कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, उस पर क्या। लेकिन आप अगर
तो पूरा तालाब मिलकर ये कोशिश करें ना कि उस मछली को ठीक करें, तो वो मछली आपसे भी ज्यादा अच्छी हो सकती है। दैट पॉइंट, ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है जो तहमीना ने बताया, और मुझे इस पॉइंट का बिल्कुल भी नहीं था पता। हमने हमेशा एक ही कहावत सुनी है कि एक मछली पूरे दरिया को गंदा कर देती है, तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। यहाँ पे मैं बताऊं कि बात के जाविये दो तरीके के होते हैं। अगर हम चीज को पॉजिटिव लेते हैं तो भी, अगर चीज को नेगेटिव लेते हैं तो भी, ये हमारे जहन की हालत होती है। ये अगर जहन की हालत पुरसुकून है, हम अगर कोई आपको टॉन्ट भी कर जाता है तो आप उसको मजाक समझते हैं। अगर जहन की हालत थोड़ी सी बेसकूनी में है तो आपको कोई मजाक भी करे तो आपको टॉन्ट लग जाती है। जी तहमीना, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और हमारे प्रोग्राम का वक्त अहतमाम की तरफ जाता है, अहतमाम की तरफ आ रहा है, और जो तहमीना ने मैसेज किया आपने इस पर लाजमी गौर करना है, चाहे वो देहात में रहने वाला है या शहर में रहने वाला है, जिंदगी पुरहलूस तरीके से, अच्छे तरीके से गुजारे, पुरसकून रहे और मुकम्मल अहलाकियात के साथ गुजारे, और दूसरों की जिंदगी खराब ना करे, किसी का चैन सुकून बर्बाद ना करे। तो यहाँ पे हम दोनों को इजाजत दें, इंशाल्लाह न्यू प्रोग्राम में न्यू टॉपिक के साथ हम हाजिर होंगे। तो यहाँ पे दें हमें इजाजत। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।